हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाय 24 फीट, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे 12 फीट इसकी लेंथ और 24 फीट इसकी ब्रेथ। इस वीडियो में मैंने इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाया है और फर्स्ट फ्लोर दिखाया है। नेक्स्ट 3D वीडियो में इसका फर्नीचर अरेंजमेंट दिखा दूंगा और पूरा वॉल और कलर्स और एलिवेशन भी दिखा दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसका लेंथ है वो है 12 फीट और जो इसका ब्रेथ है वो है 24 फीट। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में 3 फीट का वरांडा दिया है क्योंकि ये एक व्यूअर की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग उसको ग्राउंड फ्लोर में वरांडा चाहिए और हॉल और किचन, इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और तो पहले हमने 3 फीट का ये वरांडा दिया है और स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे ये टॉयलेट दिया यानी WC दिया है। गाइस जो ये हमारा है ये 3 फीट बाय 3 फीट का है ये टॉयलेट, जो कि उस व्यूअर को फ्रंट में चाहिए था उसे, इसलिए हमने इसे आगे रखा है। बरामदा से हम आगे जाएं तो ये 3 फीट के डोर से हम एंटर करते हैं हॉल में। हॉल का जो साइज़ है हमारा 8 फीट बाय 10 फीट है, यानी जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ 8 फीट है और जो इसका ब्रेथ है हमारा वो है 10 फीट। इसके वेंटिलेशन के लिए हमारा ये डोर तो है ही है और ये 2 फीट की विंडो प्रोवाइडेड है। हम हॉल से आगे जाएँ तो 3 फीट 6 इंच से यहाँ पैसेज से हम अंदर एंटर करते हैं तो हमारा किचन आता है। किचन का जो साइज़ है वो है 8 फीट, उसकी लेंथ हमारी 8 फीट ही अकॉर्डिंगली है और जो ब्रेथ है वो 7 फीट 4 इंच है। नेक्स्ट 3D वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका प्लेटफॉर्म को कैसे लगाना है, फ्रिज कहाँ रखना है, सब कुछ कहाँ रखना है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3 फीट का विंडो प्रोवाइडेड है। और ये पीछे भी हमारा बंद है, इस साइड भी हमारा बंद है, इस साइड बंद है। तो हमने यहाँ पे OTS बनाया है, ओपन टू स्काई, जो कि हमारा 2 फीट इसकी ये ब्रेथ है और 5 फीट 8 इंच इसकी लेंथ है। और उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमारा कॉर्नर में हमारा ये बाथरूम है। ये 2 फीट 6 इंच के डोर से हम एंटर करेंगे तो बाथरूम का जो साइज़ है 5 फीट बाय 3 फीट 3 इंच का है। काफ़ी रेगुलर साइज़ है हमारा ये। उसके बाद हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमने ये सिंगल साइड स्टेयर यहाँ पे दी है, यानी आपकी डायरेक्ट एक ही सीधी सीढ़ी ऊपर जाएगी, कोई टर्न नहीं आएगा बीच में। गाइस ये सीढ़ी हमने इसलिए दी है कि इससे हमको ये अकॉर्डिंगली ये जो लेंथ है वो ज़्यादा मिले। क्योंकि हमारे पास ब्रेथ है इसलिए हम उसको ये सिंगल साइड स्टेयर यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये ग्राउंड फ्लोर हमारा कम्प्लीट हो गया है। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम आए आगे तो हमारा फर्स्ट फ्लोर आता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एंटर किया, ये जो हमारी सीढ़ी दिख रही है ये सीढ़ी है गाइस, ये सीढ़ी दिख रही है हमने ग्राउंड फ्लोर से। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पे आए जो कि हमारा ये 3 फीट का 3 बाय 3 फीट का ये ओपन स्पेस है जो कि हम यहाँ से टर्न ले सकते हैं। और गाइस ये हमारी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए रहेगी और फर्स्ट फ्लोर से टेरेस पे जाने के लिए हमारी ये जो स्टेयर्स है यानी सीढ़ियाँ वो नहीं रहेगी। जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे आए हम तो ये 3 फीट के डोर से हम एंटर करते हैं अंदर बेडरूम में। बेडरूम में हमने एंटर किया, इसका साइज है हमारा 11 फीट, यानी जो इसका लेंथ है 11 फीट और जो ब्रेथ है 9 फीट 2 इंच की ब्रेथ है। इसके वेंटिलेशन के लिए ये बड़ा सा विंडो हमारा प्रोवाइडेड है, ये लगभग हमारा 4 फीट या 5 फीट का विंडो है। नेक्स्ट 3D वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा हमारा बेड कहाँ लगाना है और इसका कबर्ड कहाँ लगाना है। ये बेडरूम से हम आगे बाहर आए तो ये 3 फीट के डोर से हम एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है हमारा 8 फीट 2 इंच, यानी इसकी लेंथ 8 फीट 2 इंच है और जो ब्रेथ है वो 10 फीट 4 इंच है। काफ़ी अच्छा साइज़ है हमारा। और मास्टर बेडरूम है यानी इसके साथ हमारा क्या आएगा, ये टॉयलेट प्लस बाथरूम हमारा अटैच्ड होता है। टॉयलेट प्लस बाथरूम अटैच है, उसका साइज़ हमारा 6 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच है, यानी इसका लेंथ 6 फीट है और जो ब्रेथ है 3 फीट 6 इंच का है। इसके वेंटिलेशन के लिए OTS प्रोवाइडेड है और मास्टर बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए हमारा ये डोर तो है ही है लेकिन हमारा यहाँ पे ये ओपन स्पेस है। ये जो हमारा ये यहाँ पे कॉर्नर भी हमारा ओपन तो स्काई रहेगा, यहाँ पे भी हम एक विंडो लगा देंगे। ये स्पायरल स्टेप्स है, स्पायरल स्टेप यानी आपने देखा होगा गोल सीढ़ियाँ होती है ना जो राउंड राउंड करके ऊपर जाती है। नेक्स्ट 3D वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको टेरेस पे जाना है तो आप ये स्पायरल स्टेप्स से आप ऊपर टेरेस पे चले जाएंगे। क्योंकि सिंगल साइड स्टेयर हम और देते तो हमको ये पैसेज हमको टर्न करने के लिए होता, तो इससे हमारा मास्टर बेडरूम काफ़ी छोटा होता है, इसलिए मैंने ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे ही ये सिंगल साइड स्टेयर ख़त्म कर दिए और हमको अगर टेरेस पे जाना है तो हम ये स्पायरल स्टेयर से आराम से ऊपर जा सकते हैं। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ से एकदम बिल्कुल आराम से आपका हवा लाइट आ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दिए।
So thank you guys for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you guys.